Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week, Advanced Booking. Well, friends, ये term बहुत पहले use हुआ करता था, you know, early 2000 में. मुझे आज भी पता है, जब मैं, you know, सलमान खान की फिल्म आई थी गर्व, वो देखने के लिए गया था, तब मेरे 15 से 20 मिनट तक मुझे लाइन में एंटर करने लगे थे, जिसके बाद मैं कम से कम एक घंटा लाइन में खड़ा था. यू नो, मंडे को एडवांस बुकिंग खुला करती थी फिल्मों की सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में. वो दौर चले गए, क्योंकि अब मल्टीप्लेक्स का दौर आया है. अभी 10 बजे का शो है तो 10:15 का शो है, 10:15 का शो है तो 10:25 का भी शो है, अगर 10:25 का शो है तो 10:35 का भी शो मिलेगा. शोज की कमी नहीं है, कमी हो चुकी है ऑडियंस की, क्योंकि गाइस पायरेसी भी बढ़ गई है. अभी यू नो, आराम से एक पेन ड्राइव में पिक्चर डालो, मोबाइल में 5-10 रुपए में डाल के देखो, वो टाइम चला गया गाइस, क्योंकि अब लोग यू नो पैसा बचाने में विश्वास रखते हैं. बहुत ज्यादा अच्छी फिल्म हो तभी जाके थिएटर में देखते, या फिर खास लेवल की फिल्म हो तभी जाते हैं. वेल फ्रेंड्स, इस साल एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आई थी, जिसने धमाका मचा दिया था. मैं चाहता हूं काश हमारे यू नो जो इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीब्यूटर है, इवन फॉर रेस 3 और आने वाले जितनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, उनके लिए भी इस तरह के फिगर्स छोड़े, जो कि मुझे लगता है वो छोड़ेंगे. क्योंकि अगर आपको पता है, तो मैं, पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर जिसने उसकी एडवांस बुकिंग ओपन की थी, उसी दिन उन लोगों ने 40,000 to 45,000 टिकट के सेल्स किए थे. लेकिन गाइस, वो तो है कि ना हवा में फिगर उड़ाते हैं जितने भी एग्जीब्यूटर होते हैं वो. लेकिन गाइस, जो ऑफिशियल फिगर्स है, आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि रेस 3 को किन किन फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने पड़ेंगे टू बिकम द हाईएस्ट एडवांस्ड बुक्ड फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा. मैं इसमें इंडियन सिनेमा जोड़ रहा हूं, क्योंकि बॉलीवुड का जोड़े तो टाइगर जिंदा ही पहले आती है, इसीलिए मैं हॉलीवुड एज वेल एज साउथ की सारी फिल्मों को जोड़ रहा हूं. अब फ्रेंड्स, मैं आपको फिगर्स बताऊंगा कि ये फिगर्स कब तक के जोड़ रहा हूं. तो गाइस, बात होगी जब तक रेस 3 रिलीज होगी तब तक, यानी कि अगर फिल्म फ्राइडे को रिलीज हो रही है तो थर्सडे तक इसको इतना पैसा कमाना है इन द एडवांस बुकिंग सेल्स. तो गाइस, नंबर 1 इज बाहुबली 2 द कंक्लूजन विद 37 करोड़ रुपीज. यस फ्रेंड्स, बाहुबली 2 द कंक्लूजन के एडवांस बुकिंग क्रेज के बारे में मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं. मैं खुद सुबह यू नो 3 बजे का शो देखने गया था बैंगलोर में, एंड इट वॉज अ राइट गाइस. लोगों ने सुबह, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सुबह 11 बजे एडवांस खुलने वाली थी बाहुबली 2 द कंक्लूजन की, लोग रात को 9 बजे से बैठे थे, यू नो चटाई लाके, पानी की बोतल, एप्पल, केला सब लेके बैठे थे. इतना भयंकर एडवांस बुकिंग थी उसकी, और उसका जो हिंदी वर्जन था खाली गाइस 37 करोड़ रुपीज की एडवांस बुकिंग की थी. अब समझ लो मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि आज एडवांस बुकिंग शुरू हो रही है, संडे थर्सडे तक ये एडवांस बुकिंग जो है रेस की, उसको इसका रिकॉर्ड तोड़ना है. नंबर 2 पे है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर. एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ये साल ही 29.5 करोड़, यस फ्रेंड्स, यानी कि 29.50 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. 29.50 करोड़ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एडवांस बुकिंग थी. नंबर 3 पे है टाइगर जिंदा है. टाइगर जिंदा की एडवांस बुकिंग वॉज एब्सोल्यूटली क्रेजी गाइज. मुझे आज भी याद है, दिसंबर में जब उसकी एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी, बाप रे तहलका था. और अभी भी अगर हिंदी फिल्मों की बात करूं, खाली हिंदी की, बाहुबली 2 डब थी, तो टाइगर जिंदा नंबर 1 है 25 करोड़ एडवांस बुकिंग, एग्जैक्ट फिगर है. नंबर 4 बात करें तो सलमान खान की फिल्म सुल्तान ईद रिलीज थी, उसने कमाए थे 21.35 करोड़ इन एडवांस बुकिंग सेल्स. अब बात करें नंबर 5 की, तो वो है आमिर मामू की दंगल, यानी 18.84 करोड़ रुपीज, यानी कि 18 करोड़ 84 लाख रुपए कमाए थे आमिर खान की दंगल ने ओनली इन एडवांस बुकिंग. सो गाइस, लेट्स सी थर्सडे को, मैं आपको बताता हूं थर्सडे का, आई थिंक सैटरडे तक पता चलेगा कि एडवांस बुकिंग सेल्स जो है वो रेस 3 के कितने हुए, क्या वो इन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ती है. गाइस, यही मौका है, आपके फेवरेट स्टार की पिक्चर की टिकट्स बुक करना स्टार्ट कीजिए, ताकि वो ये रिकॉर्ड्स तोड़ सके. कोई रिकॉर्ड मत छोड़ना, सब तोड़ देना. ओके गाइस, आई होप ये छोटा सा फन फैक्ट आपको पसंद आया हो. एपिसोड पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन उसको दबाओ दबाओ. इस मियां साइनिंग ऑफ, बस वी वेरी सून टिल देन, एज ऑलवेज स्टे कूल मैन.